क्या आपका पानी मीठा है? चेक कर लीजिए। हाँ है। पापा उठे ना सुबह? पापा नमाज पढ़े, मैं भी उठ के पापा के साथ नमाज पढ़ लेती हूँ। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس। मेरा प्यारा बेटा, आपने दुआ में क्या मांगा? पापा मैंने दुआ में आपकी लंबी उम्र मांगी। और आपने दुआ में क्या मांगा? मैंने दुआ मांगी मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, कि मेरी सारी उम्र मेरी बेटी को लग जाए। आ गई मेरी बेटी स्कूल से पढ़कर। और सुनाओ बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है? पापा जी, आज मैं टेस्ट में फेल आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा पास हो जाओगे। आप तो शेर की बेटी हो ना, शेर की। पापा, मेरी मिस भी यही कह रही थी। बताओ बेटा, आपकी मिस क्या कह रही थी? कह रही थी किसी जानवर की औलाद हो। आज मैं घर में लौटा तो मेरे बच्चों ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अल्लाह की रहमत की खुशबू महसूस हुई। नमाज का टाइम होने वाला था तो मैं बोला कुछ टाइम आराम करके फिर नमाज पढ़ लेता हूँ। तो मेरे बच्चों ने मेरे हाथ पांव दबाना शुरू कर दिया और मेरी आँख लग गई। अब मैं अरशद भाई की फैमिली को देखता हूँ नमाज पढ़ते हुए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए, और एकदम मेरी आँख खुल जाती है। तो मैं उठ के अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि काश मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो जाए। और मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ रही है और मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है, मेरा बेटा अल्लाह के जिक्र कर रहा है तस्बीह में। फिर अपनी बेगम का हाथ चूमा, उसने इतनी अच्छी तरबियत की। अल्लाह पाक ऐसी बीवी सबको दे और ऐसी फैमिली सबको दे। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे इतने अच्छे हो गए हैं, नई औलाद मिली है मुझे। दुनिया के सारे दुख एक तरफ और मैं भी उसी तरह। पता ये दुख का खत्म नहीं होता बे।